दोस्तों, मैंने दिव्यंदु मंडल सेफ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट से मैंने आपको बाई सेल सिग्नल कम स्किनर का क्या क्या एलिमेंट है और कैसे यूज़ करना है उसको दिखा रहा था। वो पार्ट वन का एक वीडियो बना है, मैंने दूसरे पार्ट में दिखाता हूँ। ये जो मूविंग एवरेज का जो है पिवट पॉइंट, इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है इंट्राडे में। आप लाइव मार्केट में भी ऐसे इसको आपको ऐसे ही देखना है, और एंड ऑफ द डे जो अपलोड होगा उसको भी ऐसे ही आपको देखना पड़ेगा। मूविंग एवरेज 5 में जो आप जो स्विंग ट्रेडिंग करेगा तो इसका मूविंग एवरेज 5 को देखना पड़ेगा, मूविंग एवरेज 15 को आपको देखना पड़ेगा पोजिशनल ट्रेड के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए मूविंग एवरेज 30 का देखना पड़ेगा और पिवट पॉइंट 52 भी इसको आपको देखना पड़ेगा। आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं, और कंपेयर करने का ज़रूरत नहीं है कि ये MA5 के ऊपर है कि पिवट पॉइंट, क्योंकि मैंने आपको अगला वीडियो में दिखा दिया कि वो LTP का पोजीशन, पिवट पॉइंट, मूविंग एवरेज और पिवट पॉइंट और R1 R2 R3 का लेवल के हिसाब से कहाँ पर है। तो आप इधर से भी कंपेयर कर ले सकते हैं। और ये मूविंग एवरेज आप जो इंडिकेटर में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग है कि ये तो वो जो मूविंग एवरेज कैलकुलेट किया जाता है वो क्लोजिंग लास्ट 5 डेज और लास्ट 15 डेज और लास्ट 30 डेज का क्लोजिंग प्राइस का हिसाब से वो मूविंग एवरेज बनता है। लेकिन ये एवरेज ऑफ एवरेजेस किया जाता है। मूविंग एवरेज हर मूविंग एवरेज को हाई लो क्लोज का एवरेज लेके उसका एवरेज ले जा सक ले 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 गया है। तो इसका कुछ स्ट्रेंथ अलग आएगा। अच्छा, उसके बाद आपको चेंज इन प्राइस 2 दिन का हिस्सा 3 दिन का हिसाब से मिलेगा। अगला दिन के लिए चेंज इन प्राइस परसेंटेज मिल जाएगा, दूसरा दिन का परसेंटेज मिल जाएगा, और ये जो है वो अगला दिन का हिसाब से इसका कंपैरिजन, और ये दूसरा दिन के लिए और तीसरा दिन के लिए भी आएगा। वॉल्यूम चेंज लगातार 3 3 दिन के लिए आएगा। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वोलाटिलिटी आपको मिल जाएगा, ओपन इंटरेस्ट मिल जाएगा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मिलेगा, और डिलीवरी परसेंटेज जो चेंज हुआ है उसको आपको मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको जो इंटरडे का जो टाइम जो बाई सेल लेवल है, तो इसको स्विंग ट्रेडिंग का बाई सेल लेवल कुछ नीचे दिखा सकता है। तो आप ये मेरा सलाह ये है कि इसको आपको हायर टाइम फ्रेम पे हायर जो लेवल है उसमें लीजिए। ये देखिए इधर 1360 है, लेकिन इधर तो दिखाता है 1390 बाय स्विंग ट्रेडिंग 5 डेज के लिए, और पोजिशनल का भी 1400 है, लेकिन इसमें हायर ही दिखा है। लेकिन देखिए ये शॉर्ट टर्म के लिए 1400 हो गया, क्योंकि आपको ये समझ में आएगा कि जो वन डे का है वो 5 डेज का एवरेज वो कम हो सकता है, 15 डेज का एवरेज उसके भी कम हो सकता है, 30 डेज का एवरेज उसके भी कम हो सकता है, और 52 वीक का उसके भी कम आ सकता है। तो इसका हिसाब से बनाया गया है, और ये कैलकुलेशन ऐसे लेवल से बना है, इसका फेलियर का चांस ना के बराबर है और प्रॉफिट होने का चांस ऑलमोस्ट 100%, क्योंकि ये जो लेवल आने के बाद उसको आपको ऊपर एक एक दो तीन टारगेट आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये उसका रेजिस्टेंस लेवल सबसे बनाया गया है और सभी रेजिस्टेंस कवर किया, और बहुत सारा कैलकुलेशन इसको मिला के किया बनाया गया है। और ये जो चीज़ है प्रोबेबिलिटी, इसको भी आप देख सकते हैं, ये भी हम हाईली बहुत डिपेंडेबल है। अच्छा, ये आपको स्क्रीनिंग पहले मैं एक को आप दिखा देता हूँ। आप डाटा में जाइए, फिल्टर लगाइए, फर्स्ट आप देखिए कि आप पॉजिटिव चेंज इन प्राइस देखिए, सोच लीजिए, आप एक चुन लीजिए, परसेंटेज को चुन लेते हैं, ये आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाइए, या फिर ग्रेटर